नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी। लेकिन अरबी की सब्जी भी बहुत तरीके से बनती है, कोई मसाले वाली बनाता है, कोई रसे वाली बनाता है। तो आज लेकिन हम डिफरेंट तरीके की अरबी बनाएंगे, जिसे कोई भी खाना पसंद करेगा और कैसे भी उसको खा सकते हैं आप। आप चपाती के साथ खा सकते हैं, ऐसे कोई भी स्नैक्स के लिए भी खा सकते हैं आप उसको। है ना, सुन के अजीब लग रहा है कि अरबी की सब्जी और स्नैक्स। तो आप देखते रहिए, अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरी क्रिस्पी अरबी। तो आप ये मेरे संग देखिए, चलिए आज फिर एक नया टेस्ट ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह की कुरकुरी अरबी बनाने के लिए हमको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी ये हैं। इसमें मैंने ये अरबी को उबाल के रख लिया है और इसको बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से दबाने से भी ये दब नहीं रही है। आप 3 विसिल लगा लीजिए कुकर के अंदर, इससे ज्यादा नहीं उबालना, वरना क्या होगा, ज्यादा गल जाएगी ये। तो इसको डीप फ्राई जब हम करेंगे तो ये कढ़ाई में बिल्कुल फैल जाएगी। तो इस तरह से इसको उबाल लीजिए। और इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये है चाट मसाला 1/2 चम्मच, ये अमचूर लिया है मैंने, अमचूर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, ये नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं आप, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच मैंने भुना जीरा लिया है और 1/2 ही चम्मच मैंने अजवाइन ली है। तो इस अरबी को छील के हम डायगोनल काटेंगे इस तरह से। एक एक करके सारी अरबी छील लेंगे हम और इनको हम डायगोनल काटेंगे ये इस तरह से। आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हैं, ये इस तरह से अरबी को काटेंगे हम। और तलने के लिए हमने तेल लेंगे हम, इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने से ही ये अरबी कुरकुरी बनेगी। इस तरह से इसको काट लीजिए। ये अरबी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, अगर अरबी का डायगोनल डायगोनल अगर कट रहा है तो डायगोनल काट लीजिए, और नहीं तो आप उसको गोल काट लीजिए, कुछ पीसेस गोल या कुछ पीसेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आप काटना चाहें। अब जैसे कि ये वाली कुछ अरबी जल्दी ज़्यादा गल जाती हैं, अब ये देखिए थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है, तो कुछ अरबी ज़्यादा जल जाती हैं, कुछ कम गलती हैं, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है। तो मेरे पास और भी अरबी हैं, इनको हम छोड़ देंगे, ये ज़्यादा गल चुकी हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने सारी अरबी काट करके और तैयार करके रख ली है। अब हम इनको, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, बहुत ही अच्छी है और इतनी कुरकुरी, इतनी बढ़िया लगती है, टेस्टी। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो ये तलने के लिए हमने तेल लिया है, अरबी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने कढ़ाई भी बड़ी ली है और तेल भी बहुत ज़्यादा लिया है। तेल को आपको बहुत ही अच्छे से गर्म करना है कि अरबी डालते ही सिकना शुरू हो जाए। काफ़ी अच्छे से गर्म करना है इसको। थोड़ा सा हम इसमें डाल के देख लेते हैं कि हुई कि नहीं हुई। ये मुझे लगता है अच्छे से तेल गर्म हो चुका है, तो एक एक करके सारी अरबी हम इसमें डालना शुरू करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गर्म हुआ है, थोड़ा संभाल के डालिएगा। ज़्यादा इसलिए गर्म करना है क्योंकि अरबी डालते ही फिर तेल ठंडा होता है, तो इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। तो ये सारी अरबी मैंने इसमें डाल ली है, ये देखिए रंग आना शुरू हो गया है। इनको हल्के हाथ से पलट लेंगे। और इनको जब तक हमको फ्राई करना है, जब तक ये एकदम बढ़िया से कलर नहीं आ जाए, डार्क ब्राउन नहीं हो जाए और एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाए, तभी ये कुरकुरी और क्रिस्पी अरबी बनेगी। इसीलिए हमने इनको थोड़ा सा कम गलाया था, क्योंकि ये तेल में भी अभी इसको डीप फ्राई किया है हमने, तो इसमें भी ये काफ़ी हद तक गल जाएंगे। तो ये अरबी हमारी तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं और कलर भी इनका ब्राउन आ गया है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इनको हम
टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इस तरह की अरबी अगर आप बनाएंगे तो ये देखिएगा आप कि बच्चे घर में अरबी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और इस तरह की अरबी बनाएंगे तो वो इसको बिल्कुल ऐसे ही बिना किसी चीज़ के लगाए हुए ऐसे ही खा लेंगे। इतनी अच्छी सब्जी लगती है ये, आप इसको रोटी के साथ भी ज़रूरी नहीं है खाएँ, ये तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने आधा किलो अरबी ली थी और ये देखिए बन करके इतनी थोड़ी सी रह गई है। तो इस तरह से ये अरबी तैयार हो चुकी है। अब गरम गरम में ही हम इस अरबी के अंदर अपने सारे मसाले डालेंगे। तो अब इसमें से मैंने तेल खाली कर लिया है और इस कढ़ाई में मैं बहुत ही थोड़ा सा तेल डालूंगी, बस केवल अजवाइन को, अजवाइन का तड़का लगाने के लिए। अब इसमें अजवाइन डालेंगे, और गैस बंद कर दी मैंने। और इसमें सारी अरबी डाल दी है, ये देखिए आवाज आ रही है कितनी क्रिस्पी अरबी बनी है। और इनको थोड़ा सा अलट पलट कर दीजिए इस तरह से, ताकि अजवाइन जो है सभी अरबियों में बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब इनको चारों तरफ इस तरह से फैला करके, और अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे स्प्रिंकल करते हुए अच्छे से। ये चाट मसाला, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्ची, और ये भुना जीरा, और इनको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे मसाले जो हैं अरबी के हर पीस पर लिपट जाएं अच्छे से, और खाने में हर पीस एक सा ही टेस्ट देगा। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अरबी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।